अभी 10 मिनट बचे हैं। हरिओम। इस श्लोक में भगवान ने 3 बातें बताई हैं जो कि जीवन की सफलता है। पहली बात क्या है? अंतः सुख, अंदर से ही सुखी हो। दूसरा है अंतः आराम, अंदर से ही आनंदित हो। तीसरा अंतर ज्योति, अंदर से ही प्रकाशित हो। तो 3 बातें हैं। तो इसमें से पहली बात भगवान जो बता रहे हैं, अंदर से सुखी है ना, तो इसका क्या मतलब है कि अंदर से सुखी का मतलब है कि उसको कोई भय ना हो, निर्भय हो। अगर भय है तो कितना भी सुख मिल जाए वो सुखी नहीं हो सकता, भय है। जैसे पक्षी हैं तो दाना खाते हैं फिर देखते हैं कोई उनको आया तो नहीं, कोई मारने के लिए, तो उनको भय है। पानी पीते हैं, पानी पीते हैं और फिर चारों तरफ देखते हैं तो भयभीत हैं। तो अगर आप के चारों तरफ भय है तो सुख चाहे जितना भी मिले आप सुखी नहीं हो सकते। जैसे कोई व्यक्ति राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ है और 56 प्रकार के भोग खा रहा है, लेकिन ऊपर तलवार, नंगी तलवार लटक रही है कच्चे धागे में, कभी भी गिर जाए, अब वो क्या सुखी है? सुख तो है उसके सामने, वो सुखी नहीं हो सकता है ना। तो अंतः सुखी का मतलब है कि अंदर से निर्भय हो, उसे भय नहीं, उसको मृत्यु का भय नहीं। तो जैसे प्रभुपाद कलकत्ता में थे तो भगवान को भोग लगाया और फिर जो है प्रसाद पा रहे हैं, तो प्रसाद का सुख ले रहे हैं। उस समय कलकत्ता में क्या हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो बमबारी हो रही है, बम गिर रहे हैं, तो लोग जो है भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, अरे भागो भागो भागो, कहाँ भागे कुछ पता नहीं किसी को, कहाँ भागे, तो बम गिर रहे हैं कहाँ भागे। प्रभुपाद आराम से अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो किसी ने कहा अरे आप कैसे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, बम गिर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं मैं आनंद ले रहा हूँ, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। तो सुखी का मतलब यही है, सुखी का मतलब ये जब किसी के जीवन में कोई बाधा ना हो तो आराम से अपना खाना है, अपना सोना है, अपना चलना है, तो सुखी है। तो वो सुखी है जो कि भगवान की भक्ति में लगा है, तो उसका जो है मृत्यु का भय भी उसका दूर हो गया। दूसरा है अंतर आराम, अंदर से आनंद। तो अंदर से आनंद किस प्रकार से है? गीता 10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण के विषय में एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते और श्री कृष्ण के विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये आनंद है, अंदर का आनंद क्या है? यही आनंद है। अब आप कहेंगे हम तो बाहर से आनंद प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ कथा हो रही है, आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो ये अंदर से आनंद कैसे है? भगवान तो कहे अंदर का आनंद है, ये अंदर का आनंद है, ये जिसने बताया ये आनंद भी बाहर का आनंद ना होकर अंदर का ही आनंद है। आपको अच्छा लग रहा है ना सुनने में, तो ये बाहर का आनंद नहीं है, अंदर का ही आनंद है। जिस समय श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करते हैं उस समय उनके हृदय में श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो श्री कृष्ण के हृदय में प्रसन्न होने के कारण उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। आप भगवान का दर्शन करते हैं है? तो आप कहेंगे ये तो बाहर का आनंद है, लेकिन अंदर का आनंद है, अंदर का आनंद है, हैं? आप कथा सुन रहे हैं, आप कहें बाहर का आनंद, तो बाहर से आनंद मिल रहा है कि कथा बाहर से आ रही है और आप कान में सुन रहे हैं, नहीं अंदर का आनंद, फिर श्री कृष्ण अंदर में जो है प्रसन्न हो रहे हैं। तो श्री कृष्ण हृदय में प्रसन्न होते हैं, तो श्री कृष्ण के हृदय में प्रसन्न होने के कारण उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, अतः इस आनंद को अंदर का ही आनंद कहा जाता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं जिस प्रकार तरुण और तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित जीव श्रीमद् भागवत के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं के लिए इन कथाओं में पद पद पर नए नए रस का अनुभव होता है। तो अंतर आराम ये है,
अंदर का आरंभ ये, अंदर का आनंद ये है। फिर अंदर की ज्योति, अंदर की ज्योति क्या है? ये समझने की बात है कि ये संपूर्ण जगत माया के अंधकार से व्याप्त है। इस अंधकार के कारण हम ना तो अपने आप को देख सकते हैं, ना किसी वस्तु को सही रूप में देख सकते हैं। माया के अंधकार के ही कारण हम अपने आप को शरीर के रूप में देखते हैं, और प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, परंतु हम प्रत्येक वस्तु को भोगना चाहते हैं। ये अंधकार के ही कारण है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की सेवा के लिए है, परंतु हम प्रत्येक वस्तु को अपने भोग के लिए समझते हैं। इस अंधकार को दूर करने के लिए हमें ज्ञान का प्रकाश चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चूंकि वो व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, अतः श्री कृष्ण ही उसे अंदर से ज्ञान का ऐसा प्रकाश देते हैं कि उसके सामने से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। गीता 10:11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करते हैं। तेषामे वानुकम पार्थम अहम अज्ञान जंतमा नाश्यामे आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भासुता। तो ये बात समझने की है, यदि भक्त श्री कृष्ण के नाम गुण और महिमा को सुनते सुनाने में लगा रहता है, तो श्री कृष्ण उसके अंदर से ज्ञान का ऐसा प्रकाश उत्पन्न करते हैं कि माया के वास्तविक रूप को देख सकता है। माया एक ऐसा अंधकार उत्पन्न करती है कि जो वस्तुएं जीव को दुख देने वाली हैं, उन्हीं वस्तुओं में उसे सुख दिखाई देता है, अंधकार ही है। परंतु श्री कृष्ण अपने भक्त के हृदय में ऐसा प्रकाश उत्पन्न करते हैं कि वो ठीक से देख सकता है कि उसकी सुरक्षा केवल श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेने में है, अन्यथा सर्वत्र उसके लिए मृत्यु है। उसको दिखाई पड़ रही, अंधकार दूर हो जाता है तो मृत्यु दिखाई पड़ती है, कृष्ण के चरणों में ही इसको केवल सुरक्षा दिखाई पड़ती है, अंधकार दूर हो गया उसका। भागवत 1:1:19 के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाल लिखते हैं, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का पाठ आजीवन करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नया प्रकाश मिलेगा। अंतर ज्योति, अंदर से ज्योति। अब आप कहेंगे तो बाहर से ज्योति है, आपको गीता भागवत जो पढ़ रहे हैं तो बाहर से ज्योति मिल रही, भगवान अंदर से दे रहे हैं, अंदर से आप अनुभूति दे रहे हैं, नवीन प्रकाश मिलता है। ये दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है, इसे ज्यों ज्यों और पढ़ा जाता है त्यों त्यों वो अधिक प्रकाश प्राप्त करता है, तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति उसे अधिक होती जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त श्री कृष्ण का सदा श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण अंदर से ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं, ताकि वे संसार के जन्म मृत्यु के गड्ढे में ना गिर सकें। अगर अंधकार है तो सामने गड्ढा है, आप गिरेंगे, अंधकार है। जब कृष्ण ज्ञान का प्रकाश पैदा करते हैं तो आप बच के चलेंगे, जन्म मरण का गड्ढा है, तो आप ऐसे बच के चलेंगे कि आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे, जन्म मरण के गड्ढे में नहीं गिरेंगे। गड्ढे में गिरना है, माता के गर्भ में जाना, माता के गर्भ में जाना ये गड्ढा है ना, मृत्यु का गड्ढा है, आप गिरते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कहाँ। तो मौत एक गड्ढा है, जन्म भी एक गड्ढा है, ये सब गड्ढा है। अगर प्रकाश होगा तो आप ऐसे चलेंगे, अरे इधर गड्ढा है, यहाँ नहीं चलना, इधर चलना, इधर इधर गड्ढा है, ऐसे चलना है, अपना रास्ता आप बनाते जाएंगे। तो प्रकाश की बहुत आवश्यकता है, अंधकार है, इस अंधकार में हम लोग जो है सोचते हैं कि मैं देख रहा हूँ, या आप देख रहे हैं, तो जो कुछ देख रहे हैं सब उल्टा देख रहे हैं। जहाँ गड्ढा है तो वहाँ आपको दिखाई दे रहा है सुरक्षा, और जहाँ सुरक्षा है वहाँ आपको दिखाई दे रहा है गड्ढा, तो कैसा अंधकार है, सब उल्टा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा अंधकार है ना। तो अंतर ज्योति रे भैया, तो अंदर से भगवान ऐसा प्रकाश उत्पन्न करते हैं कि नाश्यामे आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भासुता। माया लगातार अंधकार उत्पन्न करती जाती है, और भगवान जो है हृदय के अंदर से ज्ञान का दीपक जला करके लगातार अंधकार को दूर करते जाते हैं। तो लगातार अंधकार को दूर करना है, और ये भगवान जो है ये कार्य अपने ऊपर लेते हैं। आप केवल सुनते रहें, आप भगवद गीता श्रीमद् भागवत आप सुनने में मन लगाते रहें, अंदर से भगवान प्रकाश उत्पन्न करते रहेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।